बनगढ़ धाम में अगर आप देख रहे हैं इस तरह के सीन, ये है कालिया, एक अत्यंत रिसैला नाग, जो कि ये 5 फण वाला नाग था और नंद गांव के वन वृंदावन में यमुना के अंदर रहता था। तो आपने कभी अगर जय श्री कृष्णा देखा हुआ है, जो कि आप देखते हो ना धारावाहिक आता है, तो उसमें कुछ इस तरह के सीन देखे हुए, तो मनगढ़ धाम मंदिर में आप जब जाओगे तो वहाँ पर इस तरह के सीन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है देख रहे हैं, जब ये श्री कृष्ण हमारे जो है ये पाँव रखते हैं, प्रेशर करते हैं, जैसे दबाते हैं ना यहाँ से, तो ये जैसे नाक के मुँह से ब्लड जैसा ऐसा निकलता है, तो ये सब सीन देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड इसमें आपको बहुत ही अलग तरह से उन्होंने बताया हुआ, जैसे कि उनका कारण क्या था, जैसे कि कालिया नाग महासागर को छोड़कर यमुना में जाकर रहे, तो ये इस तरीके से ऐसा कुछ है जो कि मैं आपको उतना नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि ये कुछ इस तरीके से बताया गया है, दर्शाया गया है। तो ये बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा और हम लोग तो देख ही रहे थे, तो मुझे बहुत ही सही लगा था ये सीन जो है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो ये आप देख रहे हैं नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि ये आप देखेंगे ना कुछ टाइम के बाद ऐसा जो है इनके मुंह से जैसे प्रेशर करते हैं एक पाँव से, तो ये जैसे बीच में से मुँह से जैसे एक ब्लड तरीके से निकलता है, वो रियल में तो ब्लड होता ही है, बट यहाँ पर जैसा इन्होंने बताया हुआ, तो बच्चों को समझाने के लिए एंड उनको दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आप जब भी जाओगे वहाँ पर तो इस तरह से सीन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मनगढ़ धाम मंदिर में ही है और ये गार्डन में है, आप देखोगे वहाँ गार्डन में जब भी जाओगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। यार मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था, वहाँ के जितने भी सीन हैं मैंने सब आपको दिखाया हुआ है, आप देखोगे Part 1, 2, 3 ऐसा करके मैंने डाला हुआ है वीडियोस पर, तो आप देख सकते हो, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या क्या सीन हैं जो कि आपको देखने को वहाँ मिलेंगे। एंड ये मुझे और भी अच्छा लगा था, जो कि ये एक अलग जैसा लगा है और कलरफुल जैसा आप देख ही रहे हैं, तो ये बहुत ही रंग बिरंगा कलर देखने को मिला था। यहाँ पे जय श्री कृष्णा भी लिखा हुआ है नीचे जैसे गार्डन में, तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए तो कोई नहीं है कि अंदर आप जा सकते हो, तो बाहर से ये थोड़ा सा गार्डन जैसे बाउंड्री टाइप में नहीं है वो बना है, तो वहीं से मैंने इसे सीन को कैप्चर किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और भी ऐसा सीन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको अच्छा लगेगा। देख रहे हैं ना पानी जो है ब्लड के तरीके से निकल रहा है, तो ये समझ में आता है यार ये वही सीन है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ओके, आप सबको कैसा लगा? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।